third type of deficit, which is primary deficit. So Government of India, when it makes budget, it is first of all interested to know what is the deficit in its revenue budget. Okay, that is, in order to know the deficit in the revenue budget, it calculates revenue deficit. What is revenue deficit? It is the difference between revenue expenditure and revenue receipts of the government. Second type of deficit is fiscal deficit. So when you make overall budget, when you estimate the revenue expenditure, when the government estimates revenue expenditure, it also estimates capital expenditure, right? Then it makes an account of revenue receipts, that is tax and non-tax receipts, which it can get to meet the expenditure. We all of us know revenue receipts are never sufficient to meet overall expenditure of the government. So capital receipts are also taken into account. Capital receipts consist of recovery of loan and disinvestment. All of us know India is a developing country. इंडिया ने कितनी को कंट्रीज को लोन दिया होगा बेटे जो रिकवर आ होगा या स्टेट्स को लोन दिया होगा गवर्नमेंट ने तो चलो जितना भी लोन हुआ हमें पता है कि इस साल कितनी रिकवरी होनी है वो हमने एस्टिमेट कर लिया फिर हमें लगा कि हमारे कुछ एसेट्स पड़े हैं हमारे कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको उनके शेयर्स को सेल ऑफ करके हम कुछ रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं तो वो भी हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इस साल हम इतने की डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इतने रिसोर्सेज जनरेट हो जाएंगे सो लेट अस मेक एन अजम्पशन कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहा 1000 करोड़ रुपए और हमारी रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स जिसमें हमने किस किस कौन कौन सी रिसीट्स ली रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट वो हुई 800 करोड़ रुपए तो इसका मतलब घाटे का बजट है एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स तो ये 200 रुपए का घाटा कहां से पूरा करना है इस 200 रुपए के घाटे को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या कहते हैं कैसे कैलकुलेट किया टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स माइनस कर दो सो कैन वी डिफाइन फिस्कल डेफिसिट इन सच वे that it is the difference between total expenditure of the government and total receipts of the government excluding borrowings yes so that deficit is met by borrowings so fiscal deficit refer to borrowing liability of the government clear hai bete theek ab aage chale teesra deficit jo government ko जानने की जरूरत है वो है प्राइमरी डेफिसिट सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है और इसकी इम्प्लीकेशन क्या है वो बाद में देखेंगे बेटे आपको पता चल गया कि आपका फिस्कल डेफिसिट 200 रुपए है यानी आपको 200 करोड़ की बोरोइंग इस साल करनी पड़ेगी तभी आपका जो खर्चा आपने एलोकेट किया हुआ है टूवर्ड्स डिफरेंट सेक्टर्स वो फुलफिल हो पाएगा अगर इसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट्स माइनस कर दें व्हाट इज इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने प्रीवियसली बोरोइंग्स ली हुई है प्रीवियस ईयर्स की बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है ये तो फ्रेश बोरोइंग्स है ना ये इस साल बोरोइंग ले रहे हैं टू मीट अवर डेफिसिट ठीक है इसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें लेट अस से इंटरेस्ट पेमेंट इज 50 तो हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट सबसे पहले मीनिंग समझो फिर इसको लॉजिक क्या है इसको फाइंड आउट करने का गवर्नमेंट इससे क्या इंप्लाई करती है क्या क्यों कैलकुलेट कर रही है क्यों एस्टिमेट कर रही है हर चीज के पीछे बैठे लॉजिक है ठीक है हमें अपनी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को एनालाइज करना है हम किसी भी तरह का गवर्नमेंट आपको बजट बना के पेश करके दे दे ये देखो इस बारी हमने इतना खर्चा किया देखो ठीक है हमने आपके वेलफेयर के ऊपर इतना खर्चा किया
और आपको बताया ही नहीं कि उसके लिए बोरोइंग कितनी लेनी पड़ी। क्लियर? लेट अस से आपके दादाजी ने आपको कार लेके दे दी, आपको घर लेके दे दिया, ठीक है। आप एनी पर्सन, ए पर्सन है, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर ने, ये ग्रैंडफादर है, उसने इसको 50 लाख का घर लेके दे दिया, ठीक है। वेरी हैप्पी, ग्रैंडसन इज वेरी हैप्पी, मेरे दादाजी ने तो मेरे को 50 लाख का घर लेके दे दिया। 4 साल बाद इनकी डेथ हो गई तो पता चला इनके ऊपर क्या था, लोन था। अब ये लोन किसको चुकाना पड़ा, ग्रैंडसन। तो मोमेंटली हैप्पीनेस, लेकिन बर्डन किसके ऊपर पड़ा, उसी के ऊपर। सेम इज द केस, गवर्नमेंट ने आपको शो कर दिया, गवर्नमेंट आई नए रूल में, गवर्नमेंट ने दिखाया आपको, देखो हमने आपके ऊपर कितना खर्चा किया, हमने बुलेट चेन ट्रेन चला दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 4 साल बाद 5 साल बाद वो गवर्नमेंट चली गई, नई गवर्नमेंट आई, उसने क्या देखा, ये सारा जो खर्चा हुआ वो बोरोइंग से हुआ था। अब उसकी इंटरेस्ट पेमेंट किसको भुगतनी पड़ेगी, आप लोगों को, जनरल पब्लिक को। क्लियर? सो इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट फिस्कल डेफिसिट और नॉट? शुड यू नो अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग लायबिलिटी? शुड यू नो दैट हाउ मच गवर्नमेंट इज, हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज बींग मेट बाय borrowings? Is it 3% of GDP or it is 8% of GDP? Which one is better? 3% of GDP. Lesser the better, or 3-4% हो जाए कोई बात नहीं। किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, पूरे खर्चे का नहीं, इकोनॉमी की GDP का, जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से 3% बोरोइंग से फाइनेंस हो रहा है, नेवर माइंड। देन द इकोनॉमी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये उससे एक्सीड हो जाता है। इट हैपेंड दिस ईयर, गवर्नमेंट प्रेजेंटेड अ बजट, गवर्नमेंट मेड एक्सपेंडिचर ऑन एलोकेटेड एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट प्रोवाइडेड पैकेजेस फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर, for covid victims, people are happy. But then do you realize this year's fiscal deficit is about 8-9% of GDP? theek hai, so yahan pe fiscal indiscipline aa gaya, lekin yahan par hum mind kyu nahi kar rahe hain, kyunki situation aisi hai, pandemic se guzar rahi hai, economy ko revive karna bahut zyada zaruri hai. Got it? So, फिस्कल डेफिसिट जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका बर्डन बेटे आपके ऊपर ही पड़ना है, आने वाली जनरेशन के ऊपर ही पड़ना है। इसीलिए आने वाली जनरेशन को आज पता होना चाहिए ये जो गवर्नमेंट बजट दे रही है उसमें फिस्कल डेफिसिट कितना है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद देखते हैं और क्या जानना जरूरी है, प्राइमरी डेफिसिट। पहली बात, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट and the interest payment on previous borrowings. This interest payment is on previous borrowings. Why it is important for you to know the primary deficit of government? इस साल government का primary deficit कितना है ये जानना जरूरी क्यों है आपके लिए, क्या indicate करता है? मैंने कहा 200 करोड़ की government ने borrowing की, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट 50 की थी, तो प्राइमरी डेफिसिट 150 रुपीज हुआ। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, थिंक अबाउट इट। मैं दो केसेस रखती हूं, इधर कोई भी बच्चा सोच के बता सकता है मेरे को। आई एम कीपिंग टू केसेस बिफोर यू, थिंक अबाउट इट बेटे। इमीडिएटली आंसर नहीं आता है, सोचना पड़ता है इन चीजों को। दूसरी सिचुएशन ये है, फिस्कल डेफिसिट 200 है, इंटरेस्ट पेमेंट 180 है, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हुआ, 20।
तीसरा केस एक और रख देती हूँ आपके आगे, फिस्कल डेफिसिट 200 है, मतलब हर केस में गवर्नमेंट ने बोरो कितना किया 200, इंटरेस्ट पेमेंट 200 है, प्राइमरी डेफिसिट 0 है। सोचिए, आई एम गिविंग यू टाइम, थिंक ओवर इट एंड रेज योर हैंड इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग। कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज कैलकुलेटेड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ करेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रेवेन्यू। हमारा जो करेंट एक्सपेंडिचर है वो हमारे करेंट रेवेन्यू से कितना एक्सीड कर रहा है, उसको जानने के लिए हम प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। यानी प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर अदर देन बोरोइंग्स, सॉरी अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो सी, ये गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट आई, इसी साल रूल में आई, इसने अपना बजट पेश किया, ठीक है। बजट में इसने कहा भाई हमारा जो खर्चा है ना, करंट एक्सपेंडिचर जो है, हमारा जो टोटल खर्चा है वो टोटल रिसीट से कितने करोड़ रुपए एक्सीड कर रहा है, 200 करोड़, तो हमें इतने की बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब इसमें से लेट अस सपोज ये उसका ये सिचुएशन है, करंट गवर्नमेंट, ये करंट गवर्नमेंट ने कहा हमने 200 करोड़ रुपए में बोरोइंग लेनी पड़ेगी। अब जो पार्टी हारी है, पिछले साल जो थी गवर्नमेंट, उसने प्रोटेस्ट किया, देखो हमने तो कभी 200 करोड़ की बोरोइंग ली नहीं, ये गवर्नमेंट देखो आके आपका सारा बजट खराब कर रही है, फिस्कल इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रही है, 200 करोड़ की बोरोइंग ले रही है। फिर इस गवर्नमेंट ने दिखाया अपना बजट डिटेल में, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक आइटम थी इंटरेस्ट पेमेंट, वो कितनी थी 200। हाँ, इसका मतलब ये सारी की सॉरी सारी बोरोइंग्स गवर्नमेंट को क्यों लेनी पड़ी, अगर इंटरेस्ट, अगर प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर कोई बोरोइंग ना होती, लोन नहीं होता, कोई भी इंटरेस्ट उनको ना पे करना पड़ता, तो इसको कोई बोरोइंग ही ना लेनी पड़ती। इंटरेस्ट पेमेंट 200 है, यानी इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट कितना आया 0, यानी करंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ भी बोरो नहीं किया। करंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ भी बोरो नहीं किया, पर बोरो तो किया, कितना किया, ये किस लिए किया, प्रीवियस बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट था उसको पे ऑफ करने के लिए किया। क्लियर? अगर उसके ऊपर 50 होता तो 150 प्राइमरी डेफिसिट, मतलब दिस 150 रुपीस इज बीइंग यूज्ड टू मीट द करंट एक्सपेंडिचर। मैं ये नहीं कह रही ये बेस्ट है ये बेस्ट नहीं है, मैं एक बता रही हूं कि इसका मतलब, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि 200 बोरो किया लेकिन इसमें से सिर्फ 150 रुपए जाएगा इस साल खर्चे पे, 50 तो चला जाना है इंटरेस्ट पे करने में, 150 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा होगा सिर्फ, ठीक है। इस केस में क्या होगा, चला गया इंटरेस्ट में और करंट एक्सपेंडिचर 20। इस केस में फिस्कल डेफिसिट 200
और इंटरेस्ट पेमेंट 200, यानी करंट एक्सपेंडिचर के लिए कोई बोरोइंग लेने की गवर्नमेंट को जरूरत नहीं पड़ी. सो व्हाट डज द सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट? अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है वो क्या इंडिकेट करता है? अगेन माय क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल. इफ द प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, what does it indicate? के जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स हैव लेड टू बोरोइंग्स. प्रीवियस जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स को मीट करने के लिए हमें इस साल बोरो करना पड़ रहा है. इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स हैव लेड टू बोरोइंग्स. द सिचुएशन ऑफ जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स हैव लेड टू करंट बोरोइंग्स. आज हम 200 करोड़ रुपए बोरो तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? हमारा बजट बिल्कुल ठीक है, हमें जितनी रिसीट्स आ रही हैं खर्चे के लिए सफिशियंट हैं, लेकिन फिर भी 200 बोरो करना पड़ रहा है क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने बोरोइंग की हुई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट 200 है, उसको निकालने के लिए आपको बोरो करना पड़ रहा है. इज इट क्लियर? सो इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो द प्राइमरी डेफिसिट ऑफ योर इकोनॉमी और नॉट? Yes, it is very, very important. How can you reduce primary deficit? Anyone? Primary deficit को हम कैसे reduce कर सकते हैं? क्या है primary deficit? Fiscal deficit minus interest payment. इसको कम करना है तो fiscal deficit कम करो, यानी borrowings को कम करो. और दूसरा तरीका interest payment कम करो. इंटरेस्ट पेमेंट कम करो. इंटरेस्ट पेमेंट कैसे कम होगी? हाउ कैन वी रिड्यूस इंटरेस्ट पेमेंट? डिफॉल्टर बन जाए? हाँ, प्राइमरी डेफिसिट नहीं कम करना चाहिए. आपने खुद तो मेरे को बताया कौन सी सिचुएशन फेवरेबल है. जितना ज्यादा प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट पेमेंट्स के करके, सॉरी, व्हाई वी नीड टू रिड्यूस प्राइमरी डेफिसिट बताओ? नहीं करना चाहिए कम, ये फेवरेबल है ना हमारे लिए, ये फेवरेबल सिचुएशन है या ये भी फेवरेबल है? इसका मतलब प्रीवियस ईयर्स की बोरोइंग ज्यादा हुई हुई है, इस करके हमें इस साल भी बोरो करना पड़ रहा है. समझ में आया? अगर ये कम हो जाएंगी तो भी प्राइमरी डेफिसिट कम हो जाएगा, या फिर ये कम हो जाएगा तो भी कम हो जाएगा. बेटे, इस साल कम करोगे तो आने वाली जनरेशन के ऊपर कम बर्डन छोड़ के जाओगे ना. फिर पोता ये तो नहीं ना कहेगा, ग्रैंडसन, कि मेरे को घर तो दे गए साथ में मेरे को लोन भी दे गए, ठीक है ना. अब बताओ कैसे कम कर सकते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम, लोन रीपे लोन एज अर्ली एज पॉसिबल. कोशिश करो आपके कर्जे जल्दी उतर जाएं, ठीक है. इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, नाउ आई एम गोइंग टू नोट डाउन द फॉर्मूला. फर्स्ट टाइप ऑफ डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट. Second type of deficit is fiscal deficit, which is the difference between total expenditure and total receipts excluding borrowings. In case you are not given total expenditure, how do we calculate total expenditure? Revenue expenditure plus capital expenditure. In case you are not given total receipts, revenue receipts plus capital receipts excluding borrowings.
ठीक है, और समटाइम्स डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू आर गिवन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. जैसे बेटे क्लास में 40 स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने कहा, मैंने इसको चाहे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कर दिया, 10 गर्ल्स 30 बॉयज, टोटल कितना आएगा 40. या मैंने ऐसे कह दिया 2 मैथ्स 4 फिजिकल 34 कंप्यूटर, टोटल कितना आया 40. इसी तरह चाहे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, टोटल क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर. चाहे प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को ऐड कर लो, टोटल क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू. रिसीट्स नहीं गिवन, उसके कंपोनेंट्स गिवन है. क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बेटे? रेवेन्यू रिसीट्स के कंपोनेंट्स बोलो, टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स. तो टैक्स और नॉन टैक्स ऐड कर ली, ये क्या आ गई, रेवेन्यू. कैपिटल रिसीट्स भी नहीं गिवन, तो उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रिकवरी ऑफ लोन, डिस इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग को छोड़ देना है, अदर देन बोरोइंग लिखा है, तो क्या क्या ऐड कर लेंगे, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिस इन्वेस्टमेंट, या डिस इन्वेस्टमेंट की जगह अदर रिसीट्स भी गिवन हो सकता है. अब फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट क्या करते हैं, व्हाट डज इट इंडिकेट, बोरोइंग लायबिलिटी. तो समटाइम्स इफ यू आर गिवन बोरोइंग्स, डू यू नीड टू डू एनी ऑफ दिस? Why are you doing this? To calculate borrowings. So when you are given borrowings, fiscal deficit is equal to borrowings. Seedha likh do. No need to calculate borrowings. मेरे को सीधा दिख रहा है, दो मैथ्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं ऐसे लिख दूंगी मैथ स्टूडेंट इक्वल टू टू. मैं बोलू मैथ स्टूडेंट स्टैंड अप, या मैं ऐसे बोलूंगी फिजिकल स्टैंड अप. Then suppose 20 physical के खड़े हो गए, फिर मैंने कहा computer stand up, 10 खड़े हो गए, फिर मैंने 20 plus 10 को 40 में से minus किया, फिर मैंने कहा अच्छा maths के 10 आए. Which is the better way? Maths students stand up. So when I know the exact figure of maths students, when I know the exact figure of borrowings, why would I go through all this? Right? Yes? Third type of deficit. Primary deficit. What is primary deficit? Fiscal deficit minus interest payments. Sometimes fiscal deficit word is not used. What word would be there instead of fiscal deficit? What is the another name of fiscal deficit? Borrowings. So it is equal to borrowings minus interest payments. So these are the three types of deficit: revenue deficit, fiscal deficit, and primary deficit. ठीक है, इस पे बेस न्यूमेरिकल्स हैं जो हम कल स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है, आज के लिए इतना ही. कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.